मूवी वो जो हमारे दिमाग पे वार करे, मूवी वो जो हमें शॉक सरप्राइज और सेटिस्फाई करे, मूवी वो जो हमें एजुकेट इंस्पायर और चेंज करे। ऐसी मास्टरपीस बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी बनाने का जिगरा कोरियन फिल्म इंडस्ट्री में ही है। जितनी भी अब तक हमने कोरियन मूवी देखी है उसके एक्सपीरियंस से पता चला कि कोरियन फिल्म इंडस्ट्री शॉक सरप्राइज सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाने में किसी का तोड़ नहीं मास्टर कर रखी है। इनकी सोच, इनकी कॉन्सेप्ट और उसकी मूवी में इम्प्लीमेंटेशन सच में माइंड ब्लोइंग होता है। तो आज के रिव्यू में ऐसे ही टॉप 5 वर्ल्ड बेस्ट कोरियन मूवी लाए हैं जिसका इम्पैक्ट इतना गहरा है कि सीधा आपके दिमाग में घुस जाएगी और आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। इस लिस्ट में उन्हीं मूवी को लिया है जो टॉप 10 बेस्ट कोरियन मूवी में से टॉप 5 वर्ल्ड बेस्ट कोरियन मूवी है। इसलिए इस लिस्ट की सारी मूवी बियॉन्ड इमेजिनेशन है। अगर आपने नहीं देखी है तो इन मूवी को कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही आपको फ्रेश क्वालिटी कंटेंट देखना पसंद है जो हर बार कुछ अलग शॉक सरप्राइज और सेटिस्फाई करे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। 99% लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज मूवी के थ्रू कुछ अलग एक्सपीरियंस किया जाए। नंबर 5 की मूवी सोचिए। अगर आपके पास एक ऐसा हुनर हो जिससे आप किसी का भी फेस देखकर उस इंसान के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, है ना कमाल का हुनर। सोचकर ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, मूवी उससे भी इंटरेस्टिंग है। ड्रामा मिस्ट्री 2013 की द फेस रीडर। मूवी की स्टोरी 15 सेंचुरी पे सेट है जहाँ कुछ लोग राजा के गद्दी को हथियाना चाहते हैं। मूवी में आपको देखना है कि राजा कैसे उस फेस रीडर के मदद से अपनी गद्दी बचाने में कामयाब होता है। मूवी वाइकिंग और गेम ऑफ थ्रोन की तरह इसमें भी भर भर के पॉलिटिक्स है। फर्स्ट हाफ में क्रिएटर बिल्डअप के लिए मूवी टाइम लेती है। मूवी का 2 hours 20 minutes का लंबा लेंथ थोड़ा फील होगा। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप मूवी को बीच में ही छोड़ दोगे। मूवी का नेगेटिव पॉइंट है, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी मूवी से कनेक्ट नहीं हो पाते। मैंने इस मूवी को इसके यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से देखा। मूवी को बिना कोई एक्सपेक्टेशन से ही देखना। इसे आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 4 की मूवी की क्राइम इतना घटिया और खतरनाक है कि सोचकर भी डर लगता है कि कोई इंसान को इस हद तक कैसे दर्द दे सकता है। मूवी की एक्टर की दर्द देखकर आपको दर्द फील होने लगेगा, लेकिन इसके रिवेंज आपकी सारी दर्द की भरपाई करता है। कोरिया की ब्लॉकबस्टर मूवी 2003 की मिस्ट्री थ्रिलर के साथ ओल्ड बॉय। आप सोचिए अगर आपको 15 साल तक एक रूम में बंद कर दिया जाए जहाँ से एक चींटी भी बाहर ना आ जा सके तो आप क्या करिएगा। ये मूवी इन शॉर्ट वो दर्द आपको फील कराएगी। और जब आप उस छोटे से रूम से 15 साल के बाद बाहर आइएगा, उसके बाद उन लोगों को ऐसे ही जाने दीजिएगा जो लोग आपको 15 साल एक काल कोठरी में कैद कर रखा। बिल्कुल नहीं, एक एक करके ढूंढ ढूंढ कर भगा भगा कर रुला रुला मारेंगे। मूवी के सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है अपने यूनिक फिल्म मेकिंग रिवेंज और लीड एक्टर डी सू हो की एक्टिंग। इनकी एक्टिंग मूवी में इतनी जबरदस्त है कि मूवी कामयाब हो पाती है एक्टर की दर्द को फील कराने में। मूवी 18 साल पुरानी है तो आज के लेवल के मूवी की ग्राफिक्स का एक्सपेक्टेशन से मत देखना। ग्राफिक्स ना के बराबर है, मूवी को रियल और ग्राउंडेड रखा गया है। इसे एक रिसेंट सी हिंदी डबिंग के साथ आप अमेजन प्राइम पे देख सकते हैं। नंबर 3 की मूवी को उस इंसान ने डायरेक्ट किया है जिन्होंने सस्पेंस मिस्ट्री मूवी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर गए हैं, जिन्होंने पैरासाइट, स्नोपियर, ऑक्जा जैसी ऑस्कर विनिंग मूवी को डायरेक्ट किए हैं। हॉरर एक्शन 2006 की द होस्ट। हॉलीवुड में क्रिस्टोफर नॉलन वैसे ही कोरिया इंडस्ट्री में वोंग जू हो। बात करें स्टोरी की तो शहर पे एक मॉन्स्टर हमला कर देता है जो लोगों को मारता है और उसे उठाकर ले भी जाता है, जिसमें से एक छोटी बच्ची भी रहती है। उसके बाद से मूवी के शुरू होता है टर्निंग पॉइंट। एक फैमिली अपने फैमिली को बचाने के लिए दुनिया के सारे एफर्ट लगा देती है। ये मूवी देखने के बाद पता चला कि फैमिली जरूरत नहीं बल्कि जिंदगी होती है। दुनिया की बेस्ट डायरेक्टर में से इस फिल्म को डायरेक्ट किया है तो जरा सा भी डॉट मत रखना इनकी डायरेक्शन को। बोंग जू हो की स्पेशलिटी है कि आपको मूवी में खूब डराएगी या फिर खूब रुलाएगी, ये मूवी में दोनों है। मूवी के सबसे बेस्ट पार्ट है इसके ग्राफिक्स, कमाल के विजुअल एक्सपीरियंस और इसके हार्ट टचिंग स्टोरी लाइन जो मूवी से एक पल के लिए भी आपको बोर नहीं करती। इसे आप एक अच्छी हिंदी डबिंग के साथ आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नंबर 2 की मूवी, भाई साहब इंसानियत पर से भरोसा उठ गया। मेरा फेवरेट और पर्सनल रिकमेंडेशन है, इस मूवी को नहीं देखा तो रातों में अजीब अजीब तरह के सपने आएंगे। एक्शन ड्रामा 2018 की माइंड ब्लोइंग एक्शन मूवी नाइट कम फॉर अस। नो देयर एंड नो स्टॉपिंग अस।
मूवी की एक्शन पूरी की पूरी स्पीचलेस है। अगर आप किल बिल वॉल्यूम फिल्म सीरीज के फैन है तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच होनी चाहिए। एक नेक्स्ट लेवल का किक मिलेगा। एक छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए पूरे गैंगस्टर से लड़ जाता है। मूवी के सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसके सिनेमेटोग्राफी और मारने का स्किल। एक एक को काट काट कर पीसेस में मारेंगे। मेरे लिए ये मूवी के एक्शन सीन एकदम नया एक्सपीरियंस था। किसी का गला कट रहा है तो किसी का एक एक उंगली, किसी का पैर तो किसी का हाथ फट रहे हैं। ये सब देखकर आपके शरीर में बार बार घूसबम आते रहेंगे और इसके एंडिंग आपको इमोशनल लेवल पर हिट कर हो सकता है आपको रुला भी जाए। अगर आपको ब्रूटल तरीके से एक्शन खून से भरा मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए कोई विजुअल ट्रीट से कम नहीं। ऐसी यूनिक और बियॉन्ड इमेजिनेशन को सबके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि चीप और घटिया कंटेंट से दूर रहें जो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। इस मूवी को कमाल के हिंदी डबिंग के साथ आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर वन की मूवी कब तक एक ही जैसा घिसा पीटा एक्शन देख देख कर बोर होते रहेंगे। एकदम यूनिक और नया कोरिया की बेस्ट एक्शन मिस्ट्री 2018 की द विच पार्ट वन द सब वर्जन। इन शॉर्ट ये मूवी साइंस फ्रिक्शन एक्शन सस्पेंस मिस्ट्री चार जॉनरा के कॉकटेल है ना अजीबो गरीब कॉम्बिनेशन। ऐसी मूवी को फैमिली और फ्रेंड के साथ फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। एक 10 साल की लड़की जिसे लैब में बार बार एक्सपेरिमेंट करके उसमें खतरनाक सुपर पावर भर दिए, एक दिन उसी सुपर पावर को यूज करके वहां से भाग जाती है अपनी आइडेंटिटी पता करने के लिए। उसके बाद से शुरू होता है मूवी में तांडव। मूवी के सबसे बेस्ट पार्ट है इसके इंगेजिंग स्टोरी लाइन, स्क्रिप्ट और उससे ऊपर इसके दिमाग सुन कर देने वाली इसके एक्शन सीन और कैमरा एंगल, जो आज तक हमने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। सच में इसके एक्शन सीन, उस छोटी बच्ची की एक्टिंग और एक्सप्रेशन, इवन पूरी की पूरी मूवी स्पीचलेस है। ऐसी मास्टरपीस बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी का हम जैसे छोटे रिव्यूअर का औकात नहीं कि इसे रिव्यू कर सके। ऐसी हटकर मूवी को अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करना ताकि चीप घटिया कंटेंट देखकर अपना दिमाग में नेगेटिविटी पैदा ना करे। इसे एक क्लासिक हिंदी डबिंग के आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं। ऐसे ही यूनिक और फ्रेश कंटेंट के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी क्वालिटी कंटेंट ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।